हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी मैं जा रहा हूँ डाल्टनगंज जा रहा हूँ, वहाँ पे एक कुंभ मेला लगा हुआ है। और ये जो कुंभ मेला है, आप वो प्रयागराज वाला नहीं समझिएगा, यहाँ पे एक मेरा अपना लोकल कुंभ मेला लगता है जो कि मेदिनी राय के याद में लगाया जाता है यहाँ पे, जिसका नाम है आदिवासी कुंभ मेला। और इसका लोकेशन जो है आपको रांची रोड में पड़ेगा। अगर आप डाल्टनगंज से रांची की ओर जाएंगे तो आपको वहाँ से एक मतलब डाल्टनगंज से करीब 5 से 7 किलोमीटर के बाद आपको एक बेतला आता है, बेतला का मोड़ है, वहाँ पर तीन मुहान है, वहीं पर ये मेला लगता है, दुबिया खाड़ जिसका नाम है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग वहीं जा रहे हैं और मेला से जितना भी डिटेल आपको होंगे, जो मतलब क्यों मेला लगाया जाता है, कब से लगाया जाता है, ऐसे आपको बता दूं कि 1994 से ये मेला लग रहा है। फिलहाल जो भी इसके बारे में होगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि बताने लगूंगा मेला के बारे में तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और मैं आपको इस वीडियो में टोटल दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर मेला कैसा लगता है और कौन कौन सा चीज़ यहाँ पर मौजूद है, मैं टोटल इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल मैं डाल्टनगंज पहुंच चुका हूं और मेरे को कचहरी में थोड़ा सा एक पेपर को रजिस्टर करवाना था, इसके चलते मैं अभी थोड़ा सा कचहरी में हूं। और कचहरी से निकलने के बाद मैं जाऊंगा मेला में और वहां पे मैं आपको और चीज़ दिखाऊंगा कि वहां पे कौन कौन सा सामान मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये जो मेला लोकेशन है, दुबिया खाड़ का ये सीन है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि राइट साइड जो ये रास्ता दिख रहा है, ये बेतला को जाएगा और ये रांची रोड है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को चलिए और आगे दिखाता हूँ आपको कि और इसमें क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। अब क्या लुक किया जाएगा।